तरफ अगर रहता है किंग कोहली तो दूसरे तरफ क्या केएल राहुल कर सकेगा किंग कोहली का मुकाबला, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज का जो मैच का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो मैच होने वाला है पंजाब किंग्स और आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में, जो कि आईपीएल 2021 के सेकंड फेज का 48 नंबर मैच होने वाला है। और ये मैच बहुत ही मजेदार और बहुत ही धमाकेदार मैच होने वाला है, क्योंकि देखिए नो डाउट आरसीबी लगभग क्वालिफाई कर चुका है और एक ही मैच का देरी है और वहां से ही आरसीबी क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन पंजाब किंग्स को बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि पंजाब किंग्स का हालत भी राजस्थान रॉयल्स की तरह ही है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो अगर यहाँ से सभी मैच जीतता है और अच्छा खासा रन रेट रखता है तो ही चांसेस बनेगा लास्ट में जाकर कि वो क्वालिफाई करे, लेकिन उनको अच्छा खेलना पड़ेगा और हर मैच को जीतना पड़ेगा। तो ये मैच बहुत ही मजेदार और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आरसीबी तो भाई अपना विजय थमाने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन पंजाब को रोकना ही पड़ेगा आरसीबी को। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले होंगे वो सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करने वाले होंगे हेड टू हेड स्टैटिस्टिक के बारे में, उसके बाद हम बात करने वाले होंगे कि ये मैच कौन से डेट में कौन से टाइम में कौन से वेन्यू में खेला जाने वाला है, उसके बाद पिच का रिपोर्ट करेंगे थोड़ा सा और दोनों टीमों का प्लेइंग 11 बताएंगे और प्लेइंग 11 बताकर दोनों टीमों का कंपटीशन करेंगे एंड कंपटीशन करके बताएंगे कि कौन सा टीम मैच को जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है। तो मैच बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेड टू स्टैटिस्टिक के बारे में, उससे पहले आप जान लीजिए मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट न्यूज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा जो रेगुलर व्यूअर्स है वो लोग ठीक ठाक देख लेते हैं वीडियो, लेकिन जो व्यूअर्स नए आ रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। क्या जाता है आप लोगों को सब्सक्राइब करने में मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक के बारे में, ठीक है, तो आप देखिए स्टैटिस्टिकली एनालिसिस को अगर देखा जाए तो आरसीबी और पंजाब किंग्स इससे पहले फिर चुका है टोटल 27 दफा, उनमें से आरसीबी जीत हासिल किया है 12 बार, लेकिन पंजाब किंग्स जीत हासिल किया है 15 दफा। और अगर हम लास्ट के 3 इयर्स की बात करें और 3 इयर्स में 5 मैचेस की बात करें ना, वहां पर आरसीबी जीत हासिल किया है 2 दफा और पंजाब किंग्स जीत हासिल किया है 3 दफा। तो इस स्टैटिस्टिकल अगर विभाग को देखें ना, तो इनमें नो डाउट पंजाब किंग्स का पल्ला भारी है, लेकिन पंजाब किंग्स मतलब क्या बताएं, पंजाब किंग्स का आरसीबी के साथ एक अलग वाला दुश्मनी है कि हर बार जब पंजाब किंग्स और आरसीबी आपने सामने भिड़ता है ना, तो आरसीबी को शिकस्त दे देता है पंजाब किंग्स। लेकिन इस साल कुछ अलग हो सकता है क्योंकि इस साल आरसीबी भाई साहब एक अलग फॉर्म से जा रहा है, भाई क्या बताए, एक अलग वो ग्रह से खेल रहा है कि जब से आया है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आ रहा है। मैक्सवेल तो क्या बताए, एक मतलब एक अलग यूनिवर्स का मैक्सवेल आ गया है कि मल्टीवर्स रेडी हो गया है और वहां से मैक्सवेल और हर्षल पटेल आ गया है। जो लोग पिटाई खाता था हर वक्त, जो रन नहीं मिलता था जिसको, वो अभी रन कर रहा है उसके साथ, जो मतलब गेंदबाज क्या बताए एक के बाद एक हैट्रिक ले रहा है हर मैच में, आप समझ लीजिए कि हर्षल पटेल तो भाई विकेट लेगा ही लेगा, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है क्योंकि बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मल्टीवर्स का बातें अलग से रखते हैं क्योंकि इसमें पूरा अगर क्रेडिट जाता है ना किसी भी प्लेयर को तो वो है विराट कोहली और उनका मैनेजमेंट। तो उनका मैनेजमेंट इतना अच्छी तरह से एक मतलब इस टीम को अभी क्रिएट किया है ना, तो मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है आरसीबी टीम। तो आरसीबी का पल्ला अच्छा खासा भारी रहेगा इस मैच में, लेकिन पंजाब किंग्स का जो टीम है ना उसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो पंजाब किंग्स का टीम क्या होता है, वो लोग अच्छा खासा खेलता है लेकिन लास्ट में जाकर ना मैच को खत्म नहीं कर पाता है और इसी की वजह से पंजाब किंग्स हर बार कोलैप्स कर जाता है। तो देखिए इसके पहले साल मतलब पहले के सीजन में जब पंजाब किंग खेला था ना तो वैसा ही हुआ था इस टीम के साथ कि वो लोग मैच को फिनिश नहीं कर पा रहा है ठीक ठाक, और इस साल भी सेम चीज़ हुआ कि मैच को फिनिश करने वाला खिलाड़ी ठीक ठाक नहीं है और मुझे लगता है कि वो लोग प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो इसी की वजह से ऐसा कोलैप्स हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं उसके बाद कि ये मैच कौन से डेट में कौन से टाइम और कौन से वेन्यू में खेला जाने वाला है, तो जल्दी से बताऊंगा, जल्दी से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैच जो खेला जाने वाला है, ये मैच 3 अक्टूबर को खेला जाने वाला है और ये मैच संडे को होने वाला है 3:30 बजे से, मतलब दोपहर का मैच होने वाला है और ये मैच आईपीएल 2021 का 48 नंबर मैच होने वाला है और ये मैच खेला जाने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। तो शारजा का जो ग्राउंड है ना वो छोटा ग्राउंड है लेकिन पिच में बहुत कुछ है, मतलब अगर बताएं ना कि 160 तो 160 करना भी इस ग्राउंड में मुश्किल है क्योंकि पिच पूरा स्लो पिच है, मतलब क्या बताएं, एक छोटा ग्राउंड समझकर अगर आप लप्पेबाजी करने जाए ना तो डेफिनेटली आप आउट होंगे क्योंकि इस पिच में
आपको स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा और उसके साथ ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि बॉल उतने जल्दी से उतने अच्छी तरह से बैट में नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और ठीक ठाक खेलना पड़ेगा। तो इसी वजह से इस ग्राउंड में अगर आप एवरेज स्कोर देखें तो एवरेज स्कोर 150 होगा, लेकिन अगर आप 160-170 कर लेते हैं ना तो नो डाउट आप लोग मैच जीत जाएंगे, ये मतलब लिख कर ले लीजिए। तो उसके बाद अगर हम दोनों टीमों का प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, सबसे पहले आप देखिए कि आरसीबी की टीम का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इस मैच के लिए। तो आरसीबी कोई भी चेंजेस मुझे लगता है कि नहीं करेगा, तो आप देखिए क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ओपन करने वाला है विराट कोहली के साथ देवदत्त पाडिकल, उसके बाद तीसरे नंबर पे केएस भारत। तो ये खिलाड़ी ना बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, मैं बाद में बताता हूं इसके बारे में। उसके बाद चार नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल, पांच नंबर पे एबी डिविलियर्स, छह नंबर पे डैन क्रिस्टियानी खेलने वाला है, सात नंबर पे सहवाज अहमद, आठ नंबर पे हर्षल पटेल, नौ नंबर पे ग्रेग कार्डन को खिलाया जाएगा क्योंकि पिछले मैच में भी उनको ही खिलाया गया था। उसके बाद दस नंबर पे मोहम्मद सिराज और लास्ट 11 नंबर पे युजवेंद्र चहल। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का प्लेइंग 11 होने वाला है, और इस टीम का मैं कॉम्पिटिशन में बताऊंगा पूरा डिस्कशन करके। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि पंजाब इंडियंस टीम का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो प्लेइंग 11 में अगर हम नजर दें ना तो मैं थोड़ा सा चेंजेस किया हूं। तो आप देखिए सबसे पहले ओपन करने वाला है केएल राहुल के साथ मयंक अग्रवाल, मयंक अग्रवाल का वापसी हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं रखा हूं एडन मार्करम को, मैं क्रिस गेल को बिठा दिया हूं क्योंकि वो फ्लॉप शो कर रहा है और फ्लॉप शो के लिए तो भाई आईपीएल नहीं है, ठीक है। उसके बाद चार नंबर पे आप निकोलस पुरानो खिला लीजिए, पांच नंबर पे दीपक हुडा को खिलाइए, छह नंबर पे मैं शाहरुख खान को लेना चाहूंगा क्योंकि ये शाहरुख खान नामक जो खिलाड़ी है ना, ये अच्छा खेल मतलब खेलता है, आप इनको चांस नहीं देते मैं हैरान हो जाता हूँ, तो जरूर से शाहरुख खान को खिलाइए। उसके बाद सात नंबर पे हरप्रीत बार, आठ नंबर पे मैं रखूंगा क्रिस जॉर्डन को, तो मैं क्रिस जॉर्डन को इस टीम में खिलाऊंगा क्योंकि ये बंदा अगर आपको चार ओवर अच्छा खासा बॉलिंग कर दे और उसके साथ लास्ट में आकर बल्लेबाजी भी थोड़ा सा कर दे ना तो अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी का वापसी हो सकता है। और उसके बाद नौ नंबर पे नेथन एलिस और दस नंबर पे मोहम्मद शमी को खिला लीजिए, और लास्टली ग्यारह नंबर पे रवि बिश्नोई को जरूर से जरूर खिलाइए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 होने वाला है नो डाउट पंजाब किंग्स की टीम का, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉम्पिटिशन पे आए, और कॉम्पिटिशन में अगर आए ना तो सबसे पहले ओपनिंग से शुरू करते, तो आरसीबी की ओर से ओपनिंग करने वाला है कौन कौन से खिलाड़ी, विराट कोहली, देवदत्त पाडिकल, ठीक है। और अगर हम पंजाब किंग्स की ओर देखें तो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ओपन करने वाला है, और अगर मयंक अग्रवाल फिट हो जाता है तो ही वो ओपन करेगा, और अगर ना फिट हो ना तो मनदीप सिंह को लेकर ही चलना पड़ेगा उनको। तो इस विभाग में नो डाउट आरसीबी का पल्ला भारी है क्योंकि आरसीबी ताबड़तोड़ तरीके से ओपनिंग कर रहा है, और विराट कोहली का जो फॉर्म आया है ना पिछले तीन मैचेस में, उनका आप अगर रन गिनने ना तो पिछले तीन मैचेस में उनका रन 150 के करीब चला गया है, मतलब 150, 150, 125 ऐसा कुछ रन है उनका। तो मतलब बहुत ही बढ़िया खेल रहा है विराट कोहली, इसमें कोई भी दौरा नहीं, और देवदत्त पाडिकल की भी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, और मुझे लगता है कि इस विभाग में इसी की वजह से नो डाउट आरसीबी का पल्ला भारी रहेगा। और पंजाब किंग्स की ओर से केएल राहुल से पकेड़ा खिलाड़ी है, और वो भी अच्छा खासा रन में नहीं है, तो मुझे लगता है कि आरसीबी को ही जिताना पड़ेगा इस विभाग में। उसके बाद अगर हम मिडल ऑर्डर की बात करें तो मिडल ऑर्डर में आरसीबी की ओर से खेलने वाला कौन कौन से खिलाड़ी, केएस भारत, ग्लेन मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स। और अगर हम पंजाब किंग्स की ओर देखें तो वहां पर खेलने वाले कौन कौन से खिलाड़ी, एडन मार्करम, निकोलस पुरन और उसके साथ दीपक हुडा। तो इस विभाग में मुझे लगता है कि नो डाउट बताना नहीं है कि आरसीबी का पल्ला भारी है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म, मैं क्या बताया पहले कि ग्लेन मैक्सवेल एक अलग यूनिवर्स से आया है, ये वाला मैक्सवेल, ठीक है, मल्टीवर्स रेडी हो गया है और बाहर से आया है ग्लेन मैक्सवेल। तो वो मतलब हर मैच में आएगा, लप्पेबाजी करेगा लेकिन आउट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा करके वो खेल रहा है। और अगर केएस भारत की बात करें तो केएस भारत नामक जो खिलाड़ी है ना वो भी तीन नंबर के पोजीशन पे आकर बहुत ही बढ़िया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। तो इसी की वजह से केएस भारत भी एक आपको क्वालिटी दे रहा है और थ्री नंबर के पोजीशन पे स्टेबिलिटी दे रहा है। और अगर हम एबी डिविलियर्स की बात करें तो वो किसी भी दिन चल सकता है, अभी तक टाइम नहीं आया है उनका चलने का, क्योंकि उनका बैटिंग तक मतलब क्या बताए, गेम ही नहीं आता है, मतलब वो अगर बल्लेबाजी करने उतरे ना तो कितना रन बचा हुआ है, मैक्सवेल ही आधा मैच खत्म कर रहा है। तो इसकी वजह से एबी डिविलियर्स का तो अभी तक क्या है नहीं पता है, लेकिन एबीडी भी भाई नो डाउट वो भी एक अलग यूनिवर्स का खिलाड़ी है, इसमें कोई भी दोहराव नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब किंग्स को तो वो सभी लोग ना फ्लॉप शो ही कर रहा है। एडन मार्करम सिर्फ और सिर्फ ये खिलाड़ी एक ठीक ठाक स्टेबिलिटी दे रहा है, लेकिन निकोलस पुरन का फ्लॉप शो जा रहा है। उसके साथ दीपक हुडा भी लास्ट मैच में अच्छा खासा खेला था, तो वो अगर फॉर्म कैरी फॉरवर्ड करता है तो पंजाब के लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर भी
ओवरऑल में मतलब मिडिल ऑर्डर में नो डाउट आरसीबी का पल्ला भारी है। उसके बाद अगर हम लोअर ऑर्डर की बात करें तो लोअर ऑर्डर में आरसीबी की ओर से लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाला है डैन क्रिश्चियन, उसके साथ आएगा शहबाज अहमद, हर्षल पटेल, ये तीन भी ठीक ठाक लपेबाजी कर देगा लास्ट में आकर। और अगर हम पंजाब किंग्स को देखें तो वहां पर शाहरुख खान को अगर खिलाया जाता तो ये बंदा ना एक अलग क्वालिटी का खिलाड़ी है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और ये एक रेगुलर बैट्समैन है, मुझे नहीं पता है कि पंजाब किंग्स क्यों नहीं शाहरुख खान को पहले के मतलब फेज में खिलाया था लेकिन इसके बाद से नहीं खिलाया है, क्यों नहीं खिलाया है वो ही जाने। तो मैं चाहूंगा कि शाहरुख खान को ले आइए आप, और उसके साथ अगर खेले तो हरप्रीत बार बल्लेबाजी कर सकता है और नेथान एलिस भी ठीक ठाक खेल लेगा। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में अगर शाहरुख खान खेलता है तो पंजाब किंग्स का पल्ला भारी रहेगा, ठीक है ये आप समझ लीजिए। तो उसके बाद अगर हम स्पिन बॉलिंग अटैक की बात करें तो स्पिन बॉलिंग आरसीबी की ओर से करने वाला है युजवेंद्र चहल, उसके साथ शहबाज अहमद, तो उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है शहबाज अहमद करने वाला है और ग्लेन मैक्सवेल भी करने वाला है, ठीक है। और अगर हम पंजाब किंग्स को देखें तो वहां पर पंजाब किंग्स की ओर से गेंदबाजी स्पिन बॉलिंग वाला है रवि बिश्नोई, उसके साथ हरप्रीत ब्रार और दीपक गुड़ा भी एक दो बार बॉलिंग कर दे सकता है स्पिन बॉलिंग। तो अगर हम आरसीबी को देखें तो आरसीबी की ओर से चहल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की कर रहा है, और चहल तो भाई दीपक चहल का जगह वर्ल्ड कप से हटाने के लिए पूरा तैयार है, क्योंकि चहल जैसा गेंदबाजी कर रहा है ना राहुल चहल को चहल बहुत ही पीछे छोड़ रहा है। और अगर आप देखें कि शहबाज अहमद को, तो शहबाज अहमद भी पिछले मैच में एक ओवर आकर दो विकेट ले लिया था, और ग्लेन मैक्सवेल तो भाई बल्लेबाजी से क्या बताएं, ग्लेन मैक्सवेल के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है आप लोग अगर देखो तो आप लोग जानते हो कि वो क्या कर सकता है। और अगर हम बात करें पंजाब के खिलाड़ी तो रवि बिश्नोई पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया आला परफॉर्मेंस किया था, जहां पर कोई भी खिलाड़ी विकेट नहीं ले पा रहा था तो वहां पर रवि बिश्नोई आकर अच्छा खासा बॉलिंग कर रहा था, और मतलब बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहा था, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है, ये हमारा फ्यूचर स्टार होने वाला है आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और उसके साथ हरप्रीत बार भी ठीक ठाक बॉल कर दे सकता है लेकिन उतना क्वालिटी नहीं दे सकता है। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में ना नो डाउट आपका जीत होने वाला है आरसीबी का, क्योंकि आरसीबी के पास शहबाज अहमद, ग्लेन मैक्सवेल और युजवेंद्र चहल ये तीनों क्वालिटी फॉर्म से जा रहा है, और इसी की वजह से फाड़ेगा ये तीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्स्ट बॉलिंग अटैक की, तो फर्स्ट बॉलिंग करने वाला है पंजाब किंग्स की ओर से मोहम्मद शामी, नेथन एलिस और अगर क्रिस जॉर्डन को खिलाया जाता तो क्रिस जॉर्डन, ठीक है। और अगर हम आरसीबी की ओर देखें तो आरसीबी की ओर से फर्स्ट बॉलिंग करने वाला है मोहम्मद सिराज, उसके साथ करने वाला है हर्षल पटेल, और हर्षल पटेल का हम आज से पटपट पटेल बोलेंगे, ठीक है पटपट पटेल, ठीक है। तो उसके साथ करने वाला है ग्रेग कार्डन, और डैन किशन भी एक दो ओवर आपको बॉलिंग नो डाउट अच्छी तरह से कर देगा, कोई भी रन ज्यादा नहीं खाकर। तो मुझे लगता है कि इस विभाग में भी आरसीबी का पल्ला ही भारी होगा, क्योंकि आरसीबी का जो गेंदबाज लोग है ना हर्षल पटेल, भाई क्या बताएं पटपट पटेल नाम क्यों हुआ है, क्योंकि वो पर्पल कैप लेकर बैठा हुआ है और बहुत ही आला किस्म का गेंदबाजी कर रहा है। उसके साथ मोहम्मद सिराज तो भाई क्या कहना उनका, वो भी कम रन खाता है। और उसके बाद अगर हम ग्रेग कार्डन को देखें तो उनका पिटाई हुआ था लास्ट मैच में लेकिन वो भी लास्ट में जाकर कवर कर लिया था, और डैन क्रिश्चियन तो भाई मतलब बहुत ही कम इकोनॉमी देता है। तो अगर हम इसके बेसिस पे पंजाब किंग्स को देखें ना, तो नेथन एलिस वाला जो गेंदबाज है ना, ये गेंदबाज सिर्फ और सिर्फ वो क्वालिटी दे रहा है, लेकिन क्रिस जॉर्डन का अगर वापसी होता है तो वो कैसा खेलेगा वो नहीं पता है। मोहम्मद शामी तो भाई बहुत ही पिटाई खा रहा है और मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी है। तो मैं चाहूंगा कि मोहम्मद शामी अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि ये बंदा अच्छा ही खिलाड़ी है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि फर्स्ट बॉलिंग अटैक में भी थोड़ा सा बल्ला आरसीबी की ओर झुकेगा, और अगर आप टाई बताएं ना तो टाई नहीं हो सकता है क्योंकि आरसीबी क्वालिटी में अच्छा ही है। और अगर ओवरऑल देखें तो इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि आरसीबी का पल्ला भारी है, और आरसीबी इस मैच को बहुमत से जीतेगा, ठीक है इसमें मतलब नो डाउट। और अगर स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें ना तो आरसीबी को हर वक्त पंजाब किंग्स शिकस्त दिया है, आरसीबी जैसे भी पोजिशन पे हो वैसे पोजीशन में ही आरसीबी को शिकस्त दे दिया है पंजाब किंग्स। तो मुझे लगता है कि कांटे का टक्कर होने वाला है लेकिन अल्टीमेटली आरसीबी जीतेगा। और अगर हम बताएं कि कितना विनिंग परसेंटेज से जीतेगा तो वो मतलब मुझे लगता है कि आरसीबी के पास 60% चांसेस है और पंजाब किंग्स के पास 40% चांसेस इस मैच को जीतने का, क्योंकि आरसीबी बहुत ही आगे है पंजाब किंग्स से क्वालिटी में, फॉर्म में और क्लास में, सब कुछ में आगे है, ठीक है। तो इसी की वजह से आरसीबी का पल्ला भारी रहने वाला है। आप लोग इसके बारे में क्या जरूर से कमेंट कीजिए बताइए। और मैं पंजाब किंग्स को बोलना चाहता हूँ, पंजाब किंग्स के फैंस को, कि पंजाब किंग्स के पास चांसेस तो है क्वालिफाई करने का, लेकिन वो क्या करेगा, वो क्या अपना कॉन्फिडेंस वापस से लाएगा, वो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला परफॉर्मेंस करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगर वो कर देता है वो, तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।